हेलो फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट नारियल बर्फ़ी बनाएंगे और वो भी हलवाइयों की स्टाइल में। आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया बनी है। ये जितनी देखने में सुंदर है ना, खाने में उतनी ही टेस्टी बनी है। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है और ये बहुत फटाफट बन जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मावा लिया है, 250 ग्राम शुगर और 250 ग्राम डेसिकेट कोकोनट लिया है, आधा चम्मच इलायची पाउडर है ये, और ड्राई फ्रूट्स को मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू बादाम लिए हैं, 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर, 2 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर है ये, और 1/3 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है, वेनिला एसेंस है ये, और 1/3 कप जितना मिल्क लिया है। ये मिल्क हमने कोको पाउडर को मिक्स करने के लिए लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम कोको पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको मिला देंगे। लम्स ना रहे इस तरीके से हमें इसको मिलाना है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके। इसकी स्मूथ पेस्ट बना देनी है और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने एक तपेली में शुगर ऐड की है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप जितना पानी। शुगर डूबे इतना पानी लेना है हमें। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। जब तक हमारी चाशनी बनती है, हम इसे दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कढ़ाई रख दूँगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाए, हम इसमें मावा ऐड करेंगे और मावे को हमें 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पे भूनना है। मावे की जो गुठलियाँ हैं, इसे हम तोड़ते रहेंगे और भूनते रहेंगे। ये अपने आप गर्म होते ही सॉफ्ट होने लगेगा। इसको अच्छे से चलाते रहें। यहाँ पर मावे का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 5-7 मिनट हो चुकी है और ये देख सकते हैं मावे का कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है और ये इसके जो गुठलियाँ हैं वो टूट चुकी हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को यहाँ पर ऑफ कर देंगे। हम चाशनी चेक कर लेते हैं और ये देखिए एक तार की चाशनी तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम चाशनी का गैस भी बंद करेंगे और अभी हम इसमें डेसिकेट कोकोनट ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ ही रखना है यहाँ पर और अच्छे से मिला देना है मावा और डेसिकेट कोकोनट को। ये देखिए हमने अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम चाशनी ऐड करेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी बैठी है बिल्कुल ही। अगर आपकी मिठाई की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है तो आप इसमें 2 मिनट के लिए गैस पे ऑन करके इसको चला सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो अभी हम इसके 2 इक्वल पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रे को घी से ग्रीस करना है, तो मैंने थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर मैंने मिठाई के 2 पार्ट्स किए हैं। एक पार्ट में मैं इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिला दूँगी। अभी इसको हम एक ट्रे में निकाल देंगे और फैला देंगे, स्मूथ कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट में हम चॉकलेट पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। बाकी की चॉकलेट पेस्ट भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेती हूँ। अभी हम इसको अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद हम इसको गैस पे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ताकि जो इसमें दूध की कंसिस्टेंसी गई है वो वापस से थोड़ी गाढ़ी हो जाए और मिठाई जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। वो सीन निकालना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ
और उसके बाद मैंने इस मिठाई को, जो पहले वाली मिठाई है, इसके ऊपर इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर हम चांदी की वर्क लगाएंगे और इसको हम थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर नट्स स्प्रेड करेंगे और इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि वो निकले नहीं। अब इसके हम पीसेस बना लेंगे, एक जितने हम पीस कर लेंगे, इसके कट कर लेते हैं हम यहाँ से। अब इस मिठाई को हम 2 घंटे के लिए सेट होने रखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है। मैं आप पर आपको एक पीस निकाल के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, वाव, बिल्कुल हलवाइयों के वहाँ मिलती है ना, वही चॉकलेट नारियल बर्फी बनी है ये। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।